भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जल्द ही शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं और हम आपको ये बता दें कि इस बात को लेकर क्रिकेट टीम में काफी चर्चा का माहौल बना हुआ था और साथ ही लोगों के बीच ये सस्पेंस भी बना हुआ था कि आखिरकार बुमराह किसके साथ शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। पूर्व मॉडल और स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन के साथ बुमराह जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाले हैं और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि दोनों ने गोवा में जाकर शादी करने का प्लान बनाया है। हालांकि बुमराह और संजना को कभी सोशल मीडिया पर या कहीं भी साथ देखा नहीं गया। हालांकि संजना ने एक बार बुमराह का इंटरव्यू लिया था, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो दोनों अपने रिश्ते को छुपाने में कामयाब निकले। हेलो दोस्तों, मैं सोनाली बख्शी एक बार फिर से माया नगरी के दुनिया में एक और नई कहानी के साथ आपके साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। संजना एक स्पोर्ट्स एंकर हैं। हालांकि दोनों कभी साथ नहीं देखे गए, लेकिन BCCI के एक अवार्ड फंक्शन में उन्होंने बुमराह का इंटरव्यू लिया था, जिसके बाद से ही उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वहीं एक खबर के मुताबिक बुमराह और संजना की शादी 14 या 15 मार्च को गोवा में होगी। बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के चौथे टेस्ट मैच से निजी कारणों से नाम वापस ले लिया था, तभी से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि वह शादी करने वाले हैं। हालांकि बुमराह की शादी में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का शामिल होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि टीम इंडिया अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रही है और ऐसे में बायो बबल से बाहर आना संभव नहीं है। संजना का IPL टीम KKR के साथ ही खास संबंध रहा है। दरअसल संजना ने KKR फैंस के लिए द नाइट क्लब नाम से एक विशेष इंटरैक्टिव शो को होस्ट किया था, जिसमें शाहरुख खान भी थोड़े वक्त के लिए शामिल हुए थे। बता दें कि संजना ने स्टार स्पोर्ट्स के लिए एक सेगमेंट दिल से इंडिया भी होस्ट किया है। साथ ही संजना प्रीमियर बैडमिंटन लीग यानी PBL की होस्ट भी बन चुकी हैं, जिसके चलते उनके सोशल मीडिया फैंस में काफी बढ़ोतरी भी हुई है। वहीं बात अगर इस रूमर्स कपल की करे तो संजना गणेश से पहली बार 2012 में स्प्लिट्स विला 7 नाम के एक रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट के रूप में मिली। हालांकि एक चोट की वजह से शो में उनकी जर्नी काफी कम थी। इससे पहले ये चर्चा थी कि बुमराह साउथ इंडियन एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन से शादी करने वाले हैं, जबकि अनुपमा की मां ने एक इंटरव्यू में इस बात से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था कि उनकी बेटी बुमराह से शादी कर रही हैं। अनुपमा की मां ने बताया कि बुमराह और अपनी बेटी के रिश्ते की बात से साफ इनकार करती हैं, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि उन दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सुनीता ने साफ किया कि ऐसी खबरें इसलिए उड़ रही थी क्योंकि दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करना शुरू किया था। अब देखना ये होगा कि लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, क्या वाकई में संजना और बुमराह की शादी हो रही है या फिर सिर्फ ये खबरें सुर्खियां ही बटोरेंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं माया नगरी की अगली स्टोरी में। तब तक के लिए शुक्रिया।